नमस्कार किसान भाइयों, बसंत कालीन गन्ना बुआई का काम कार्य जो है प्रगति पे है। अभी जो है हम ट्रेंचर से खुद निकलवा रहे हैं 5 फुट से, और ये नीचे की तरफ से आप देख सकती हैं फ्लैट है। फ्लैट लेने की वजह ये रही जो है पौवा जो है बीचों बीच हम रख देंगे, इसमें आग जो बोएंगे सिंगल बड़ में बोएंगे उसको बीचों बीच रख देंगे। स्टैंडर्ड 450 इस ट्रैक्टर के जोड़ दिखाने फिर से मैं लाया हूँ। काफ़ी जानदार और शानदार ट्रैक्टर है। अभी इसने जो खुड़ निकाले हैं थोड़ा आपको मैं वे दिखा दूँ। देखो जी 5 फुट पे खुड़ लिए हैं और करीब करीब 1 फुट इसने ज़मीन में उतार दिया। 1 मिनट कैमरा पकड़ेंगे ज़रा, पकड़ रखिए स्क्रीन पर, इसी में चढ़ना कुछ नहीं। देखो भाइयों, ये देखो भाइयों, मैं आपको फ्लैट करके यहाँ पे दिखा दूँ। अभी मन ने फ्लैट कर दिया और ये टुकड़ा जो है करीब करीब ये मान लो आप देख लो इतना गहरा इसे नीचे उतार दिया, 8 × 16 इंची। आप इसे अगर 1 फुट से थोड़ा ऊपर ही मान लेगा तो इतना गहरा इसने कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा कुड़ यहाँ पर निकाल रहे हैं। और ये हमारे सचिन भाई है, इनका यह ट्रैक्टर है। भाई ट्रेंचर तो आपने पहले भी चलाया पर आज कुछ विशेष सा लग रहा, क्या बात? बढ़िया चल रहा है, बान ठीक हो रहा है। बान अच्छा हो रहा, तैयारी तो खैर इसकी बहुत अच्छे से हमने करी है, तो खुड़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। नई वैरायटी में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा 7 बीघे का नंबर है और बहुत ही शानदार। बस सबसे बड़ी तारीफ इनकी एक ही है, खुड़ जो है बिल्कुल लगभग सीधे खींच दिए। देखो दोस्तों, खेत लंबा हो कोई मैटर नहीं पर इनमें इनकी तारीफ जो है खुड़ बिल्कुल सीधा कर दे। ये करीब 350 फुट का दौरा है जी, सामने रजवाई की पलटी दी है तो खुड़ बिल्कुल सीधे काट रखे इन्होंने। सारे खुड़ बिल्कुल समान बन के आ रहे हैं और जो है अभी मैं थोड़ा सा चला के दिखा दूँ। चलो जी ज़रा एक बार ले गए उमेश भाई, ज़रा आइयो। और यह फाड़ी भी ले रहे हैं हम, और फाड़ी लेने की वजह यह है इस पर बार बार खुरपा मट्टी चिपक जाती है, फिर खुड़ बनने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये देखो सर, एक बार रेस देके दिखा दो, शानदार सी आवाज़। देखो कितनी शानदार आवाज़ है, एकदम बेहतरीन। ये देखो पूरा खड़ा हो ले इस साइड में, रेस खड़ा हो ले ना इस खुड़ पर। हाँ बस देखो जी, अब जो खुड़ जो साइड में है इसमें दोबारा से निकल के आएगा, पर ये खुड़ देखो कितना प्यार से कितना गहरा खुड़ लेके आ रहा है। ट्रैक्टर चलता हुआ भी इतना अच्छा लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। एक आदमी खड़ा हो रहा है वो इसलिए ताकि खुद और अच्छे से और थोड़ा सा गहरा हो जाए। पर बता दो दोस्तों, इसमें चेसलर भी चलवाया तो तड़ भी 4 हैरो इसमें कटवाई, टीलर भी कटवाया, रोटरी भी कटवाई, तो भांड बनाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। और ये जो भांड मिला है इसमें हमने ट्राइकोडर्मा का सेवन इसमें करा दिया खेत में, तब इसमें रोटरी निकलवा दी थी ताकि किस तरीके का फंगस वगैरह है तो खेत से निकल जाए, समूल नष्ट हो जाए और जो है किसी तरह कोई विकार है वो भी निकल जाए। अभी बुआई के टाइम पर हम इसमें ये लेंगे मैटराइजर, मैंने सौंप ली ताकि सफ़ेद गिटार है वो भी समूल नष्ट हो जाए, तो खुड में कहीं कोई कमी नहीं है। खुड काफ़ी शानदार, ट्रैक्टर पूरे जोर लगा रहा है। 60 HP का यही मजा है भारी काम के लिए। और जिन भाई से हम लाए हैं अभी बताऊँ, मीरापुर से हमें अरेंज करना पड़ा। देखो बसाखी इसलिए रखनी पड़ रही, यहाँ पर मट्टी कितनी आ गई कि यह मट्टी उतारनी पड़ रही है बार बार। अगर ये मिट्टी नहीं हटाओगे तो खुड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब देखो अभी नहीं कर गए, अब जो है दूसरी साइड भी ये दिखा दूँ आपको। ये जो ट्रैक्टर है खुड़ के अंदर ही डाल लेंगे इसको। ये अभी देखो दूसरी ये मिट्टी भी हटा दूँ मैं एक बार, हट के देखो ये आ जाते हैं गन्ने वगैरह, गन्ना चलिंडा जड़ वगैरह सारी चीज़ें आ जाए। तो भाने में सब कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े उमेश जी डर तो नहीं लग रहा बैठ के? बिल्कुल नहीं। देखो जी कितने मज़े में चल रहा है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की शान में कोई कमी नहीं है। ये हमारे गांव की आन बान और शान है वाके में, इतना हैवी ट्रैक्टर। और जो कहते हैं जिस तरह से काम लेते हैं दबा के, शायद दूसरा आदमी नहीं है गांव में यहाँ पे। अभी बैठो जी बैठे एक बार, देखो खुड़ के अंदर ही डाल दिए इन्होंने ट्रैक्टर। जो एक खुड़ निकाल रहे हैं दूसरे अंदर डाल रहे हैं। अभी फिर से अब देखा दिखा देता हूँ एक बार, और पकड़ो रही। देखो जी दूसरा खुड़ थोड़ा ऊपर चल रहा है, नेक्स्ट टाइम जब ट्रैक्टर उधर से घूम कर आएगा तो इस खुड़ में फिर से एक बार इसका खुरपा एक बार फिर से डल जाएगा, पूरा गहरा हो जाएगा। ट्रैक्टर काफ़ी मज़े में चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो जो है अभी इसमें जो है सीधा सीधा हम बीज मंगा के इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों बता दूँ 14201 बोएंगे हम इसमें, और थोड़ा बहुत अन्य बीज भी बो रहे हैं। अभी देखो कितना कम्फर्टेबल जोन में चल रहा है, थोड़ा आगे से मैं दिखा दूँ।
देखो जी ट्रैक्टर बिल्कुल मजे में अपनी गति मार रहा है। तो ट्रैक्टर में चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको भी निकाल रहा है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कोई लोड नहीं किसी तरह का, एकदम मक्खन की तरह से निकाल रहा है। दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप इसे जो चलाएं ना, ट्रंचर जो आप चलाएं, ट्रैक्टर की पावर आपकी 55-60 हॉर्स पावर की मिनिमम आपने चाहिए खुड़, तभी आपके अच्छे निकलेंगे। अन्यथा खुड़ जैसा आप गहरे पे लेने जाओगे नहीं हो पाएंगे। अपनी अपनी संतुष्टि है, वैसे मेन तो यही है, ट्रंच का मतलब है गहरा वो है बोना। 10 इंच तो कम से कम आपना होना चाहिए, 10 इंच अगर आप करोगे और फिर 1 फुट आप मिट्टी दोगे तो आपका 1.5 फुट 1.5-2 फुट के करीब गन्ना मिट्टी के अंदर आ जाएगा। जितना ज़्यादा जड़ेगा उतनी अच्छी खुराक वो उठाएगा। फिर अभी दोस्तों एक बार थोड़ा सा और दिखा दूँ, एक बार और आ जा। देखो जी खुड़ बहुत ही शुद्ध आ रहे हैं, देखो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध निकाल देते हैं। पता नहीं क्या कल है इनके हाथ में, भाई ये साइंस कहाँ से लाए, सीधे खुड़ बिल्कुल कमाल कर रखा है। तो अब देखो दोस्तों एक बार और दिखा दूँ आपको, इस साइड में, इस साइड में बहुत हैवी ट्रंचर है। खड़ा हो जाए इधर खड़ा हो, बहुत हैवी ट्रंचर। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य पसंद आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।